नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर को स्वागत करुछु माथुरि। प्रथम हेडलाइंस, आज प्रथमाष्टमी, घरे घरे एंटुरी पिठार महक सह ओडिया संस्कृतिर झलक। नुआ लुगा पिंधि पूजा हेउछन्ति घरर बड़माने। सेपटे श्रीमंदिरे स्वतंत्र नीतिकांते श्रीजीवंक पाखरे लागिबो खंदी ओ छेदा प्रसाद। सुप्रीमकोर्ट द्वारा आयोजित 72वां संविधान दिवस कार्यक्रम में जोगदेले प्रधानमंत्री, कहले समस्त आस्था प्रेरणा आउ शक्तिर उत्स हेउछि भारतीय संविधान। स्वाधीनता पाई प्राणबळी देइथिबा संग्रामीक स्वप्नर आलोक एहा उद्भासित। क्षमता पृथकीकरण उपरे मोदीक गुरुत्वारोप। नवंबर 28 रे दक्षिण आंडमान सागर में सृष्टि होगा एक लघुचाप। प्रभाव में डिसेंबर 3 रु राज्य में वर्षा संभावना। सेपटे खसुची रात्रि तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पारद खसुवा बेले राज्य में शीतर प्रकोप जारी। नुआ कोविड वेरिएंट नहीं बढ़ला चिंता, जरूरी सूचना जारी कला विश्व स्वास्थ्य संगठन। आफ्रिकीय देश में चिन्हट नुआ वेरिएंट उपरे चली अध्ययन। कटकणारे देश देश मध्ये विमान चलाचल एवं यात्रा पाई पूर परामर्श। नुआ वेरिएंट सतर्क रहिबाकु स्वतंत्र परामर्श। प्रतिवाद बनाम हिंसा, विरोधी प्रतिवाद को हिंसा माध्यम रे चपाई देबाकु उद्यम करुछि कि बीजेपी। ममिता प्रतिवाद रे विरोधी को बीजेपी रो हिंसात्मक विरोध। भद्रक रे जिला बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री को घेरी दुर्व्यवहार कले बीजेडी कर्मी। कामरे लागुनी बस स्टैंड, राज्य रास्तारे ठिया होई रहुछि सह सह बस। यात्री विश्राम पाई नाही छाई के पीबा पानीर व्यवस्था। अवधि परे भी सरुनी भित्तिभूमि निर्माण। जनतांक पाखरे न पहुंची केवल कागज कलमरे सीमित विकास। एवं जूनियर पुरुष हॉकी विश्वकप आज गुरुत्वपूर्ण मैच। क्वार्टर प्रवेश करिबा को भारत पोलैंड मध्य हेब कड़ा टक्कर। कानाडा को 13-1 रे हराई मजबूत स्थिति रे भारतीय दल। उभय दल खिलाड़ी प्रदर्शन उपरे रहिब क्रीड़ाप्रेमी नजर। आसिया संपन्न खबर को आज प्रथम अष्टमी, घरे घरे एंडुरी पिठार महक सांग को देखा मिलू ओडिया संस्कृतिर झलक। घर बड़ सतान मान नुआ लुगा चंदन सिंदूर लगाई करापना। मार्गशीर मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि को प्रत्येक ओडिया घरे प्रथमाष्टमी भाव पालन करन। ज्येष्ठ सतान मान सुख समृद्धि दीर्घ जीवन पूजार्चना करें। से आज प्रथमाष्टमी तिथि श्रीमंदिर में स्वतंत्र नीतिकांति होवार कार्यक्रम रही। नियाली माधवों पीठर पढ़ुआ सामग्री आसीता बेले आज श्रीजीवों अंगे नुआ लुगा लगे सहित खदी और छेदा प्रसाद लगे। आज प्रथमाष्टमी तिथि श्रीमंदिर में विशेष नीति अनुष्ठित होवार कार्यक्रम रही। समाज में समस्त भिन्न भिन्न भूमिका भिन्न भिन्न दायित्व कार्य कर शैली भिन्नता थे कि समस्त आस्था प्रेरणा आ शक्तिर उत्स एक ताहा भारतर संविधान। शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट को द्वारा आयोजित संविधान दिवस पालन कार्यक्रम में जोगदे एक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। संविधान प्रणेता माने देशवासी को एभली एक अभिनव संविधान प्रदान करिछन्ते जहां भारतर हजार हजार वर्षर परंपरा उपरे आधारित। आम भारतीय संविधान देशर स्वाधीनता पाई प्राणबळी देइथिबा संग्रामी मानंक स्वप्नर आलोक उद्भासित। सेपरी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास हे संविधान आभिमुख्यर सबुठ शक्तिशाली प्रदर्शन बोली प्रधानमंत्री एही अवसर रे कहते। अनेपटे क्षमता पृथकीकरण उपरे गुरुत्व दे वर्तमान अमृत काल में समस्त संविधान भावधारा अनुसार समूह प्रतिबद्धता प्रदर्शन करने को पड़े बोली प्रधानमंत्री कहते। ऑपरेशन ऑफ पावर के मजबूत अधिष्ठान पर हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मार्ग निर्धारित करना है, रोड मैप बनाना है, लक्ष्य तय करने हैं और मंजिल तक देश को पहुंचाना है। माननीय कोरोना काल ने
जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर नया भरोसा पैदा किया है। डिजिटल इंडिया के मेगा मिशन में न्यायपालिका की सहभागिता है। 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स का कंप्यूटराइज होना, 98% कोर्ट कॉम्प्लेक्स का वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ जाना, रियल टाइम में जुडिशियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का फंक्शनल होना, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म का लाखों लोगों तक पहुंचना, ये बताता है कि आज टेक्नोलॉजी हमारे जस्टिस सिस्टम की कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है। और आने वाले समय में हम एक एडवांस जुडिशरी को काम करते हुए देखेंगे। समय परिवर्तनीय है, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन ये बदलाव मानवता के लिए इवोल्यूशन का जरिया बने। विदेशरे मध्य भारतीय संविधान दिवस पालन करा जायछि। सुदूर बाहरेन स्थित भारतीय दूतावास रे 72वां संविधान दिवस पालन होइतबा देखिवा को मिलिछि। एने एक स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होइतबा बळे दिल्ली संसद भवन रे अनुष्ठित होइतबा संविधान दिवस कार्यक्रम को वीसी माध्यम रे सीधा प्रसारण करा जायतिला। सेहिपरि एही अवसर रे भारतीय दूतावास पक्षरो एक नूतन आप लोकार्पण करा जायछि, जहाँ माध्यम रे बाहरेन रे काम करुथिबा प्रवासी भारतीय माने सहज ओ सुविधा रे भारतीय दूतावास रो समस्त प्रकार सहाय्य सहयोग पाई परिबे। एने बाहरेन ओडिया समाज रो प्रतिष्ठाता डॉक्टर अरुण कुमार प्रराज खुशी व्यक्त करथिबा बळे समस्त भारतीय माननकु संविधान दिवस रो शुभेच्छा ओ शुभकामना जणाइछंती। सेपरि बाहरेन स्थित भारतीय दूतावास रे इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम कराचिबा को से दाबी करिछंती। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର 72ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ବାହାରିନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଆମ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା କନସୁଲାର ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଲେଖାପଢ଼ା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପ୍କୁ ଆମ ମହାମହିମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସିଡର ହିଜ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ଶ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଜୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ କଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ସରଳ। ଆଉ ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କନସୁଲାର ସର୍ଭିସେସ୍ କିମ୍ବା ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଉ ତା ରିଡ୍ରେସାଲ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ବୋଲି ସିଏ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସିଡରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉ, କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିରେ କୌଣସି ବି ସର୍ଭିସେସ୍ ଏଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ, ପରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନାର କରାଳ ଛାୟାରୁ ଏଯାଏ ମୁକୁଳି ପାରିନି ବିଶ୍ୱ, ଏବେ ପୁଣି ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି ସାର୍ସ କୋଭିଡ୍-2 ଭୂତାଣୁ। ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା B.1.1.529 କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣର ଆଉ ଏକ ଲହର ଖେଳାଇବ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା। ଏବେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଅନେକ ଦେଶ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 26 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ
जरूरी सूचना जारी करिछे विश्व स्वास्थ्य संगठन बाहु। नुआ कोविड भ्यारिएंट नै विश्व स्वास्थ्य संगठनर सतर्क सूचना। नुआ भूताणु केते मारात्मक ता जानिबा पई लागिबो समय। ट्रैवल ब्यान उपरे विचार करंतु विभिन्न देश। सतर्कतार सह विमान चलाचल एवं यात्रा पई परामर्श। संक्रमण परिस्थिति उपरे भारत मध्ये रखिछि सतर्क दृष्टि। दुई वर्ष हेलाणी कोरोनार कराळ छायारु एजाय मुकुळि पारुनी सारा विश्व। एबे पुणी निजर रूप बदलाई विश्वव्यापी मुंडविंधार कारण पलटिलाणी सार्स कोविड टू भूताणु। निकटरे दक्षिण आफ्रिकार देखादेइथिबा B.1.1.529 कोविड भूताणु भ्यारिएंट पुणी संक्रमणर आउ एक लहर खेळाइबो बोली सृष्टि होइछि आशंका। संक्रमण स्थिति सामान्य स्वाभाविक हेबारु विश्वर अनेक देश परस्पर मध्यरे विमान चलाचल आरंभ करिबा सहित विदेश यात्रा मध्य किछि दिन तळे आरंभ करथिले। एबे पुणी संक्रमण बढ़िबार आशंका सृष्टि हेबारु अनेक देश विमान चलाचल एवं विदेश यात्रा उपरे कटकणा लगाइबाकु आरंभ कलेनी। विशेष करी दक्षिण आफ्रिका को उड़ाण भरिथिबा विभिन्न यूरोपीय देशगुड़िक पुणी कटकणा लगाइबा देखा जाइछि। तेबे एहाकु नै नवंबर 26 तारीख शुक्रवार दिन सेही सबु देशगुड़िक पई जरूरी सूचना जारी करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन बाहु। पूरा टेक्निकल एडवाइजर ऑन वायरस इवोल्यूशन तरफरु शुक्रवार दिन वर्चुअल मोड रे एक बैठक अनुष्ठित होइथला। दक्षिण आफ्रिका रे देखा देइथिबा नुआ भ्यारिएंट बा भूताणु प्रजाति संपर्क रे विश्लेषण करा जाई एक परामर्श जारी करा जाइछि। एबे जेउ देशगुड़िक यात्रा उपरे कटकणा बा ट्रैवल ब्यान जारी करिछन्ती सेमानकु ए बाबतरे अधिक सचेतन हेबाकु कुहा जाइछि। जेउ नुआ भ्यारिएंट देखा देइछि ता केते संक्रमणशील एवं केते क्षतिकारक से बाबदरे समस्त तथ्य जानिबाकु आउ किछि दिन आवश्यक। तेणु हठात यात्रा कटकणा जारी करबा अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिभंगी प्रयोग करी विमान चलाइबा सहित अधिक सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिछि बोली परामर्श देइछि हु। हु बा विश्व स्वास्थ्य संगठन नुआ भ्यारिएंट बाबदरे अध्ययन जारी रखिछि। प्राथमिक अनुसंधानरु एई नुआ भ्यारिएंटर अनेक म्यूटेशन रहिथिबार जणा पडिछि। तेणु अधिक अध्ययन एवं गवेषणा आवश्यक। एहा परे एई नुआ भ्यारिएंट केते संक्रमणशील एवं केते मारात्मक ता जणा पडिब। तेबे समस्तंकु एबे केवल सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिछि बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन तरफरु परामर्श दिया जाइछि। केवल यूरोपीय देशगुडिक नुहंती अनेक एशियो देश समेत विश्व आहुरी केतेक देश एहा मध्यरे दक्षिण आफ्रिका को विमान चलाचल बंद करथिबा जणा पडिछि। भारत रे मध्य नुआ भ्यारिएंट उपरे सतर्क दृष्टि रखा जाइछि। एही भ्यारिएंट कोविड टीका को मात देई पुणी संक्रमण सृष्टि करथुबारु बेसी चिंतार कारण पालटिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ताजी प्रथमाष्टमी घरे घरे एंडुरी पिठार महक संग को देखिबा को मिलिछि। ओडिया संस्कृति रे झलक विशेष करी एही दिन रे ज्येष्ठ संतान मानन को सुख समृद्धि दीर्घ जीवन पई पूजा अर्चना करा जाय थाय। अनिपटे आज प्रथमाष्टमी तिथि रे श्रीमंदिर रे मध्य स्वतंत्र नीतिकांति हेबार कार्यक्रम रहिछि। ए बाबदरे अधिक सूचना पई हम सहित आलोक आशुतोष समपुरी रिपोर्टर जुड़ी रहिछन्ति। आलोक मुख्यतः आज श्रीमंदिर रे कौन सब स्वतंत्र नीतिकांति रहिछि? आपण जानिछन्ति मार्गशीर कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि जहाँकु प्रथमाष्टमी बोली कहुए एवं आज मध्य महाप्रभुंकर पढ़ुआ नीति संपादित करा पूरापूरी दृश्य प्रथम देखिबा चाहिबु। जेहेतु आम श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखरे अछि आमर अगणित दर्शक प्रथम माधुरी पतित पावन सानिध्य नेबाकु आम कह कारण भाग्यरे थिले ही पतित पावन सानिध्य नेबाकु मिलिथाय। कारण जो भक्त साधारण मैंने श्रीमंदिर आसी पारि नथान्ति सेमाने प्रथम पतित पावन को दर्शन करिवार सुविधा पाइथाय। तो आज जेहेतु महाप्रभुंकर पढ़ुआ नीति रहिछि कौन नीति रही आपन जानते प्रथम भोगमंडप सरिया महाप्रभु को आज पूजा पंडा सामंत मैंने महास्नान कर नीतिकांति
नीतिकांति कौन रही आज स्वतंत्र नीतिकांति किभली रही है भक्त श्रद्धा मैंने किभली महाप्रभु स्वतंत्र नीतिकांति को आज दर्शन कर कृतार्थ हे से विषय में आलोचना करवा आम सब सौम्य रंजन पंडा अच्छे आज्ञा आज बड़ा अनन्य दिन आज महाप्रभु उत्कल परंपरा अनुजाई आज पढ़ु हे कि नीतिकांति आज रही क्षेत्राणम राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेशम देवानम राजा श्री पुरुषोत्तम राजाधिराज पुरुषोत्तम देव भितर बसिंट पुरुषोत्तम भाव महाप्रभुंकर समस्त नीतिकांति देखी उत्कलीय नीतिकांति परंपरा रे संपूर्ण भाव तंकर पूजा अर्चना होता है से आज हूँ प्रथमा अष्टमी देखी अच्छी कह जाए मस जे कि मस भितर मसानम मार्गशीरसमी मस भितर मार्गशीर मस हो श्रेष्ठ से मार्गशीर मसर प्रथम अष्टमी को प्रथमाष्टमी बोली कहुई था प्रथमाष्टमी महाप्रभुं प्रथम भंड सर सारा प्रथम भोगमंडप सरी सारापर महाप्रभुं कौन हम ना प्रथम महास्नान होता है पूजा पंडा द्वारा महास्नान सरी सारापर जे कि कहुई कि प्रथम देखिए चंदन विजय होता है पूजा पंडा पति महापत्र मुदिरस्त द्वारा चंदन विजय होता है चंदन विजय पर चंदन प्रलेप परे परे महाप्रभुं नुआ लुगा लगी होता है नुआ लुगा लग सारा संपूर्ण भाव में महाप्रभुं शुद्ध स्वर द्वारा भल भाव सफा हो सारापर सेठार कहुई वरुण पूजा होता है वरुण पूजा पर षष्ठी मार्कंडींगर पूजा होता है ये समस्त पूजा पति महापात्र मुदिरस्त आए कि पूजा पंडा करतापर महाप्रभुं मध्यान धूप लगी था फुलपुरी छेद प्रसाद लगी मध्यान धूप सरी सारापर महाप्रभुं से फुलपुरी आदा प्रसाद लगी होता है छेदा लगे सारापर महाप्रभुं मंगलार्पण सहित बंदापना जे कि पूजा पंडा पति महापत्र मुदिरस्त संपूर्ण भाव में महाप्रभु को बंदापना करते कहीं महाप्रभु नुआ लुगा लगे था प्रथमाष्टमी में महाप्रभु को पढ़ुआ कराई जे कि कहुई नुआ लुगा लगे सारापर समस्त प्रकार नीतिकांति महाप्रभु होता है निहत रूप में माधुरी आप गोटे कथा दर्शक मान को कहवाक चाहिए गत काली महाप्रभुकर मामूघर जी कि नियाली जी दावीदार करते महाप्रभु मामूघर सी तमाम भार नहीं आसते महाप्रभु पाट वस्त्र ठार आरंभ कर गुआ नड़िया तमाम फलमूल नहीं आसते जेहेतु श्रीमंदिर रेकर्ड अफ राइट्स महाप्रभुकर मामूघर माधवानंद मंदिर बोली कौन उल्लेख रही ना से सेना भार को गत काली दान आकार श्रीमंदिर प्रशासन रखा पूरा पूरी दृश्य आप देखुंत संख्यार भक्त श्रद्धा मैंने जाऊँ श्रीमंदिर को से ही कोविड कटक 24 घंटा 96 घंटा भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार दुईट डोज नहीं वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र देखाई महाप्रभु दर्शन लाभ करने को जाऊँ जेहेतु सका 5:55 आज माधुरी द्वार फिटी द्वार फिटापर महाप्रभु मंगल आरती मैलम नीति चली तो निश्चित भाव में अनेक भक्त श्रद्धा आसमंदिर को श्रीमंदिर दर्शन व्यवस्था तो संपूर्ण स्वाभाविक रही कि जो पवित्र दिन रही आज प्रथमाष्टमी मार्गशीर कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि आज महाप्रभु को श्रीजी को रत्न सिंहासन दर्शन कले जो अनंत कोटि जन्मर पुण्य फल मिलता है विश्वास रही से विश्वास को आधार कर वर्तमान श्रीमंदिर माधुरी संपूर्ण रूपे चलचंचल हो पड़ी जय जगन्नाथ ध्वनि में संपूर्ण बड़दाण्ड प्रकंपित हो अरुण स्तंभ को पाखु देखुं सीधा सड़क दृश्य भक्त श्रद्धा मैंने अरुण स्तंभ को ये मैंने प्रणिपात हो निश्चित भाव में गोटे भक्तिमय परेश गोटे जगन्नाथमय परेश सृष्टि जहाँ गवेषक आम कि समय पूर्व सूचना देते आज प्रथम भोगमंडप सर पूजा पंडा सेवायत मैंने चतुर्धा विग्रह को महास्नान करेंगे महास्नान कर सारे अनेक नुआ वस्त्र चतुर्धा विग्रह आज परिधान करेंगे जेहेतु पढ़ुआ हे चतुर्धा विग्रह तो निश्चित भाव में आध्यात्मिक परेश खेली जाइए और महाप्रभु अन्य नीतिकांति जो भक्त श्रद्धा मैंने चर्म चक्षुरे देखिए से निश्चित भाव कृतार्थ हे माधुरी बिल्कुल आज एक एभली दिन में जो मैंने भी भक्त मैंने जाऊँच से महाप्रभु दर्शन पाई कौटना कौटे से कोटि कोटि सानिध्य लाभ करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपम सूचना आसिया परवर्ती खबर को बस दुर्घटन तीन जन मृत छ जन गुरुतर आहत बस टी केन्दुझर घटगा तारिणी मंदिर दर्शन सारी फेरुवा बेले दुर्घटना होछि 16 नंबर जातीय राजपथ बेलपड़ा बाईपास निकट एक अजणा गाड़ी बस को सख्त धक्का देथिला फल बस टी ओवरब्रिज तलकु खसी पड़ा बस तले चापी हो दुई जन श्रद्धालु घटनास्थल में मृत्यु हो गुरुतर अवस्था डाक्तरखाना अन्य जनकर मृत्यु होइछि अन्यपटे गुरुतर मानक बालुका मेडिकल को स्थानांतरित करा जाइछि मृत्यु संख्या बढ़िपाने आशंका करा जाउछि वर्तमान जो बड़ खबर आसी पहुंचुछि बा प्रथम भिजुआल आपण माने देखि पारुछन्ते बस दुर्घटना होइछि एवं जेउथिरे तीन जनकर मृत्यु होइछि पाखापाखि छ जन गुरुतर आहत होइछन्ते एवं ए मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िपाने आशंका करा जाउछि ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित विक्रम साहू आम रिपोर्टर जोड़े रही विक्रम घटना केते बेले घटला
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁରରୁ ଏକ ବସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ହଉଛି ଭୋର 3ଟା ବେଳ ଘଟଣା। ଏ 3ଟା ବେଳକୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଆସୁଥିଲା, ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ବେଲପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 6-7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ବାଲୁଗାଁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବାଣପୁର ଅଗ୍ନିସେବା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମାଧୁରୀ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ବଢିପାରେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଅଧିକା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଜଣାପଡୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ରାସ୍ତାର ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ମାଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି ତ କାହାର ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଅଧିକା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମାଧୁରୀ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବିକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ଟି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବେଲପଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ବସ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପ୍ରତିବାଦକୁ ହିଂସାରେ ଚାପି ଦେବାକୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରୟାସ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରି ହିଂସାର ସାହାରା ନେଇଥିବା ବିଜେଡିର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କ୍ଲଚ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା। ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି କଲେ ଗାଳି ଗୁଲଜ, ପୋଲିସ ସାଜିଲା ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଡର, ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିବା ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ହିଂସାରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ହୋ ହଲ୍ଲା ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖମନ୍ତ୍ରରେ ଅହିଂସାର କଥା କହୁଥିବା ଦଳର ଇଏ କି ଆଚରଣ? ଇଏ କ'ଣ ମାକୁ ସମ୍ମାନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ 5-4 ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 13-1 କାନାଡ଼ାକୁ ହରାଇ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସହଜରେ ଜିତିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଉଥିବା ପୃଥକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, କୋରିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡ୍ର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।